जय लक्ष्मी माता। ये जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है लक्ष्मी माता की। एक गांव में एक शेठ जी रहता था। उसके चार बेटे और चार बहुएं थी। एक रात वह सो रहा था तो उसके सपने में लक्ष्मी माता आती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, मेरे जगह नुकसान यहाँ पे आएगा, तुम्हें जो भी भेंट मांगना है वो मांग सकते हो। तो फिर सेठ जी बहुत समझदार थे तो उन्होंने बोला कि नुकसान आए या ना आए मुझे आप ये दीजिए कि मेरा परिवार एकजुट रहे और सबका सामना करे। तो फिर अगले दिन ही नुकसान आ जाता है। छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी और उसने नमक डाला और हिलाया और अपने दूसरे काम में लग गई। ऐसे ही दूसरी तीसरी चौथी बहू ने भी नमक डाला और हिला दिया। सेठानी जी ने भी नमक डाल दिया और हिला दिया। जैसे ही शेठ जी आते हैं और भोजन करते हैं, भोजन का निवाला खाना शुरू करते हैं, फिर जैसे ही उन्होंने एक निवाला खाते हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि नुकसान उनके घर में आ गया है। तो फिर वो चुपचाप खाना खाते हैं और अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। फिर बड़ा बेटा की बारी आती है। बड़ा बेटा पूछता है, एक निवाला खाता है और पूछता है कि पिताजी ने भोजन किया क्या? पिताजी ने कुछ बोला? तो फिर हाँ भोजन किया है, सारी बहू बोलती है, और कुछ नहीं बोले। तो फिर बड़ा बेटा भी चुपचाप खाना खा के अपने कमरे में जाके सो जाता है। ऐसे ही तीनों बेटे करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। फिर रात को जब सेठ जी सो रहे होते हैं तभी नुकसान उनके सपने में आता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर सेठ जी बोलते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो? तो फिर नुकसान बोलता है क्योंकि अगर तुमने 1 किलो नमक खा लिया है लेकिन किसी का भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे लेके क्या करूँ? तो फिर जैसे ही नुकसान जाता है लक्ष्मी माता आती है और कहती है सेठ जी से कि मैं अब से तुम्हारे घर में रहूंगी। जय लक्ष्मी माता।